एवरी एवरीवन माय नेम इज रांचिता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बीन एजेस कि मैंने रिकॉर्ड की हो कोई वीडियो आई वाज लाइव ऑल द टाइम सो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी लीक वीडियो रिकॉर्ड करूं एंड आई वाज लाइक अबाउट टू फिनिश लाइक कि मैं काम कर चुकी थी अपना आज का पूरा सब कुछ आ रही कंसल्टेन अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन इट्स अ वेरी आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट कि ना ये बहुत ही हायर कॉलिंग थी कि मैं ये मैसेज आपको दूँ शायद कलेक्टिव uh, की है कि वो अपना पर्पज़ भूल रहे हैं लाइफ में तो शायद एंजल्स uh, मुझे गाइड कर रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू गिव दैट वीडियो दैट रीडिंग सो आई थाट येस दैट्स अर कॉल फॉर फ्रॉम यूनिवर्स दैन आई हैव टू गिव इट टू यू ओके सो हम देखेंगे कि आपका क्या पर्पस है और हम इसे जॉडिक साइन के तरीके से देखेंगे और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि आप इस एनर्जी वेब का हिस्सा बन सकें और रीडिंग आपको और अच्छे से रेजोनेट हो एंड डू शेयर दीज वीडियोस विद योर लव्ड वंस एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं करते हैं अभी तक फॉलो uh, तो यू कैन फॉलो मी देर मैं वहाँ पे डेली रील्स पोस्ट करती हूँ एंड या यू विल लव इट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी हेलो कैंसेरियन सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है कैंसेरियन व्हाट इज योर पर्पस एंजल्स प्लीज गाइड करें व्हाट इज द पर्पस ऑफ मे आई डी योर ब्यूटिफुल कैंसेरियन एंजल्स प्लीज गाइड करें थैंक यू थैंक यू एंजल्स ओके ओके सो कैंसेरियंस मुझे ऐसा लग रहा है Uh, कुछ चीजें एंड होना चाह रही है आप एंड नहीं कर रहे हो आपको लग रहा है बस पकड़ के बैठ जाऊं कुछ चीजें आपके लिए कहा जा रहा है कि जो एंड हो रही है वो आपके लिए अच्छा है तो उसे घबराइए मत क्योंकि वहां से ही न्यू बिगनिंग है आपको बहुत इंपॉर्टेंट uh, है कुछ चीजों के साथ फॉगेफ करना लाइक कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा अपने आप को आजाद करिए उनको आजाद करिए फॉगेव करिए किसी सिचुएशन को आप कुछ चीज चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कोई गुस्सा पाला हुआ है कोई कुछ भी ऐसा है तो उसको फॉगेव कर दीजिए क्योंकि यही आपके लाइफ का पर्पज है अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे आपके लिए कहा जा रहा है अगर कोई चीज़ छुट्टी है कोई चीज़ अगर इस वक्त एंड हो रही है तो वो इनएविटेबल है लाइक वो वो रुक नहीं सकती है तो आप उसको रोके भी ना क्योंकि वो यूनिवर्स का लॉ है ओके एंड अपने लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आइए एक स्टैंडर्ड सेट करिए अपने लिए एक अपने लिए बोलिए ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोग ना शायद अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं तो जहां पे आपको लगता है कि जहां आपका स्टैंड लेने की जरूरत है स्टैंड लीजिए अपने लिए ठीक है क्योंकि आप चुपचाप सहने के लिए भी नहीं बने हैं एंड अगर आप ऐसा आपको फील होता है और आप अननेसेसरी किसी के साथ बंधने के लिए भी नहीं बने हैं तो इट्स तो तो बेटर प्रोटेक्ट करें अपने आप को और प्रोटेस्ट करें जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए सही है ठीक है पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहा जा रहा है आ, शायद आप किसी दो राह चीजों में कन्फ्यूज़ हैं पॉसिबिलिटीज आपके लिए आगे आ रही हैं दो डिसीजन आ रहे हैं तो आप एक हायर पर्सपेक्टिव्स देखिए दूरदर्शी बनकर देखिए कि आपको फ्यूचर में क्या हेल्प करेगा एंड इनोसेंस सन सन का काड़ा है जो आपको कह रहा है कि अपने अंदर की जो मासूमियत है ना उसे मत खोइए वो आपकी सबसे प्यारी ब्यूटी है ओके लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू जजमेंट ओके सी यहां पे भी आपके लिए यही आया है कि अगर आपको लग रहा है कि जो भी चीज आपके साथ कुछ हुई है पास्ट में कुछ गलत हुई है तो उसका जजमेंट डे आएगा कोई कोर्ट केस चल रहा है आप पे से किसी का अगर ऐसा है कुछ चीजें एंड हो रही है कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए कह रहा है कि वो जो जो भी डिसीजन है वो आपकी फेवर में ही आएगा जो आपके लिए बेहतर है ठीक है एंड एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है आपके लिए इन टर्म ऑफ मॉनिटरी है अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करिए ठीक है लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है अपनी लाइफ का पर्पज यही है पुरानी चीजों को फगेफ करिए और अपने पे काम करिए कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी ठीक है स्ट्रेंथ वाओ ब्यूटिफुल अगेन लियो का कार्ड आया है आपके लिए बहुत फेम आ रहा है कैंसेरियंस, बट आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी और कुछ चीजों में आपको स्ट्रेंथ एक Uh, दिमाग से दिल से हर तरीके से मजबूती करनी पड़ेगी अपने आप को समझाना पड़ेगा स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी ठीक है आप काउंसिलर से मिल सकते हो अपनी हीलिंग करा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है सो दैट्स इट कैंसेरियन आई होप यू लाइक दिस रीडिंग इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई एल सीन माई नेक्स्ट वन टिल देन बाय टेक केयर